सुनील लहरी 1987 में रामानंद सागर के जो रामायण आती थी, इतनी आइकॉनिक टीवी सीरीज थी ना, क्या बताऊँ उसका मतलब फैन फॉलोइंग अभी तक है। जो क्या बताएं, आप लोगों ने देखे होंगे जो डीडी चैनल में आता था रामायण, रामानंद संपूर्ण रामायण के नाम से, रामानंद सागर के, उसमें जो लक्ष्मण का किरदार निभाते थे सुनील लहरी, उन्होंने आदिपुरुष के मूवी के बारे में कुछ मतलब डीएनए न्यूज में इंटरव्यू देते हुए कुछ कहा है। आदिपुरुष के टीजर के आने के बाद सोशल मीडिया में इसकी खूब तरीके से ट्रोल किया जा रहा है, क्योंकि टीजर काफी ही खराब है। मतलब आदिपुरुष का लागत लगभग 500 करोड़ बताया जा रहा है, पर 500 करोड़ के लागत बनी हुई मूवी तो लग नहीं रही, क्योंकि इसके टीजर देख के लग रहा है कि ये एकदम सस्ता बनाया गया है। पता नहीं 500 करोड़ के पैसा पता नहीं कहाँ लगाया गया है। इसका टीजर में वीएफएक्स देख लें, सीजीआई देख लें, इतना खराब है क्या बताऊँ। इससे अच्छा तो 50 करोड़ में बच्चे बन जाता है। बालफी देख लो, टीवी सीरीज का जो सीजीआई होता है इतना अच्छा होता, पर ये आदिपुरुष का टीजर समझ नहीं आ रहा। और इसका सोशल मीडिया पे बहुत मजाक किया जा रहा है और मजाक बनाया जा रहा है और ट्रोल किया जा रहा है, पर ये तो सीजीआई। और फिर बॉलीवुड रोमांस बना रहे, मतलब गाना गाने सीता और राम को समझ नहीं आ रहा। उसी को देखते हुए रामानंद सागर के जो मतलब द्वारा बनाई गई रामायण, उसमें जो लक्ष्मण का किरदार निभा रहे थे सुनील लहरी, अब देखे होगे उनको, मतलब राम का रोल निभा रहे थे अरुण गोविल और लक्ष्मण का निभा रहे थे सुनील लहरी। वो डीएनए न्यूज में इंटरव्यू देते हुए कहते हैं कि आदिपुरुष को लेकर ये कहा, इसका वीएफएक्स पचाना मुश्किल है। देखिए उस समय हमारे लिए तकनीक एक नई चीज थी, हमने ज्यादा से ज्यादा प्रयासों से बेहतरीन पाने की कोशिश की, इसलिए लोग अभी भी रामायण के रिलीज के 35 साल बाद भी इसकी सराहना करते हैं। युवा पीढ़ी को इसमें कार्टून जैसा कुछ नहीं लगता और ना वह उसका मजाक उड़ाते हैं, यह कहती उन्होंने कहा। मतलब उनका सीधा फंडा है कि मतलब वो कहना चाहते हैं कि जब हम 1987 में इतनी अच्छी रामायण बना सकते हैं तो आप निर्लज्ज एक उचित योद्धा पर बाण चलाते हो, तुम्हें तो युद्ध के प्राथमिक नियम भी नहीं पता। जो 2022 में इतना टेक्नोलॉजी आ गया है, फिर भी पता नहीं ओम रावत जी क्या बनाना चाहते हैं। इतना कार्टून जैसे दिख रहा है, जैसा जो हम पहले बना चुके हैं। अब इस जमाने में बनाना बहुत आसान है, क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत आ गया है, पर पता नहीं क्या है ऐसा डीएन न्यूज में सुनील लहरी कहा है। उनका कहना भी ठीक है, सुनील सर का कहना है कि आजकल कोई भी अपने काम में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता। आदिपुरुष का पहला टीजर रिलीज होने के बाद लोगों का यह एक समूह वीएफएक्स और सीजीआई से निराश था। तो सही बात, निराश होना ही बनता है। वो लोग कहते हैं कि अगर इस तरह, और सुनील का कहना है, अगर इस तरह की तकनीक रही तो हो सकता है कि रामानंद सागर कुछ और बनाते और अच्छा बनाते। मुझे विश्वास है कि भले ही अब हम वीएफएक्स के मामले में विकसित हुए हैं, पर विजुअल मामले में सागर साहब ने जो हासिल किया वो दोहराना मुश्किल है। सही बोल रहे हैं, मतलब कहना है कि जो रामानंद सागर ने जो बना दिया है ना, उनको उससे अच्छा बनाना उनके मुकाबले कोई होगा नहीं। सही कहना है, सबका अपना अपना ओपिनियन है, पर सभी लोग मतलब 100 में से 80% का कहना है कि जो आदि उसका टीजर है ना वो खराब है, मतलब उसका जो सीजीआई फेस मतलब खराब है। और फिर जो उनका लुक दिया गया है ना, बहुत है, क्या बताएं, लुक मेन लुक है। आप रावण सागर का देख सकते हैं रामायण, जो समूह रामायण बनाए थे 1987 में, उस जमाने की बात है जब इतना, क्या बताऊं सबको, अभी तक वही टीवी सीरीज देखेंगे ना तो आपको अच्छा लगेगा, पर आजकल जितने भी रामायण आए होंगे ना तो उसके मुकाबले नहीं बना पाए इतना अच्छा। निर्लज्ज एक उचित योद्धा पर बाण चलाते हो, तुम्हें तो युद्ध के प्राथमिक नियम भी नहीं पता।